हेलो सर, नमस्ते। कैसे हैं सर? ठीक है सर, बढ़िया। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम बलजीत सिंह है जी। बलजीत सिंह? हाँ जी, बलजीत सिंह। और कहाँ के रहने वाले हैं सर अपन? हम समाध भाई पिंड जी। समाध भाई पिंड? हाँ जी। तो ये मोगा से कितने किलोमीटर पड़ जाता है? मोगा से 25 किलोमीटर पड़ता है। 25 किलोमीटर पड़ जाता हाँ है। और आपके साथ में जो भाई साहब खड़े, एक बार इनका भी इंट्रोडक्शन करा दें। ये मेरे दोस्त है, भाई साहब ही है। अच्छा, हाँ जी। तो इनका भी घोड़ों के प्रति प्यार अच्छा है। हाँ, नई शुरुआत है। हाँ जी। तो मैं कुछ बात अभी इस वीडियो में हम भाई साहब से अभी करेंगे, और कुछ बात तो हम भाई साहब के पास में एक तैमूर घोड़े का रिजल्ट और एक घोड़ी है, तो वहाँ पे हम जानेंगे भाई साहब से कि कैसे भाई साहब की शुरुआत हुई और कैसे इस लाइन में आए। तो भाई साहब का नाम हो गया अपना, नाम के बाद में फार्म का कुछ नाम रख रखा है? संधु स्टड फार्म जी। संधु स्टड फार्म। हाँ जी। और संधु स्टड फार्म को कितना टाइम हो गया, यानी कितने टाइम से आप घोड़ा घोड़ी रख रहे हैं? हम घोड़ा घोड़ी तो 20 साल से रखते हैं। 20 साल से? हाँ जी। ओके, तो 20 साल से आप ही ने शुरुआत करी थी या परिवार में पहले से ही रखते हुए आ रहे थे? पहले डैडी जी ने ले आंदी थी बछेरी जी, छोटी। अच्छा, छोटी बछेड़ी लेके आए थे। उसको पालता मैं ही था, उस करके शौक लग गया। ओके, तो घोड़ा घोड़ी के अलावा भी और कुछ रखते हो, गाय भैंस वगैरह? हाँ, भैंसे रखते हैं। कितनी भैंसे हैं? 3 भैंसे। 3 भैंसे हैं। ओके, तो अभी आपके पास में प्रेजेंट टाइम में कितने हैं घोड़ा घोड़ी की बात करें तो? एक घोड़ा है जी, तमूर। अच्छा, तो एक घोड़ी है। एक घोड़ा और एक घोड़ी है। हाँ जी। तो आपके पास में अभी जो काले कांटे का सब बहुत फेमस बच्चा है तैमूर, जो अभी हम आपको वीडियो में सारे लोगों को दिखा रहे हैं, तो भाई साहब आप तैमूर के बारे में बताओ, ये कहाँ पे ब्रीड हुआ है सबसे पहले? ये जी सरदार बिलू सिंह पिंड कराला। ओके, जिन्ना कोल पहला काला कांटा सी उन्होंने घर दी ब्रीड है ये। अच्छा, उनके घर की होम ब्रीड है? हाँ जी, उन्होंने घर की ब्रीड है। ओके, और बाप है इसका काला कांटा? बाप है काला कांटा। और अगर इसकी माँ की बात करें तो? माँ इसकी निजमा जी, अली बाबा लैन की। अभी है माँ इसकी? हाँ जी, हाँ जी, वो बिलू सिंह के घर ही है। अच्छा, उनके घर पे ही है? हाँ जी, हाँ जी, पांच कल्याणी है। पंच कल्याण है। शायद उस घोड़ी का इंटरव्यू भी करा था मैंने। हाँ जी, करा था जी। तो भाई साहब अभी घोड़े की अगर हाइट की बात करें तो घोड़ा हाइट में कितना होगा? हाइट 64 प्लस है जी। 64 प्लस है। हाँ जी। और घोड़े की मार्किंग की बात करें तो दो पैर एक तरफ के और माथे पे पट्टा है। माथे में पट्टा ही। पट्टा भी पूरा प्रॉपर है घोड़े के, है ना? तो और भाई साहब इसके रिजल्ट वगैरह कैसे आ रहे हैं रिजल्ट के? क्योंकि देखो, एक घोड़ा फेमस है और एक घोड़ा होता है अपने रिजल्ट से फेमस। हाँ जी, हाँ जी। तो इस घोड़े के रिजल्ट किस तरीके के आ रहे हैं मार्केट में? रिजल्ट प्रदीप भाई बहुत अच्छे आते हैं। किसी पटा तो एक बच्चे के ही आया है। अभी इसके बच्चे ज्यादा आए कि बच्ची ज्यादा आई है? इसका सारी बच्ची आया, एक बच्चा आया ही, सब बच्ची है दूसरा। ओके, हाँ जी। तो कहाँ कहाँ पे है अभी इसके बच्चे बच्ची, कुछ आइडिया है थोड़ा बहुत? दो बच्ची तो महाराष्ट्र है जी, अब्दुल के पास। अच्छा, हाँ जी। ओके, बाकी एक बच्ची मेरे, एक बच्ची भाई साहब के पास में। तो भाई साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि तैमूर घोड़े की जो बच्ची आपके पास में है, क्या खासियत लगी? चलो हम उसको बच्ची को आप अगले पार्ट में लोगों को दिखाएंगे, तो क्या खास आ रहा है तैमूर घोड़े के बच्चों में, आपको क्या खास लगा? एक तो उसके जो जितनी भी घोड़ी होती है जिसके कई मटा पटा भी नहीं है। अच्छा, यानी फूल वगैरह कुछ भी नहीं है? हाँ, वो भी उसके पटा डाल देता है बच्चा। अच्छा, इसके रिजल्ट इतने अच्छे रहे। हमारी घोड़ी की उसका फूल था। अच्छा, और उसके बच्ची के सारा पटा आया है। सारा पटा आया है उसके, बोन स्ट्रक्चर, उसकी बॉडी, उसकी गर्दन, नेक इतनी अच्छी आई ना कि बहुत अच्छी आई उसकी, बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं घोड़े के इसके। तो भाई साहब जैसे कि घोड़ा आपका है नहीं, तब भी आप इस घोड़े के बारे में इतना सोच रहे हो क्यों? आपके गांव का है या आपके दोस्त हैं, क्यों? नहीं, मेरे को ये पहले मिले थे कि नहीं, मेले में। अच्छा, मेले में, यानी कि शुरू से नहीं जानते? शुरू से जानता हूँ, पर अच्छा, वहाँ पर ज्यादा दोस्ती हुई। अच्छा, मेले में। हाँ, ओके। और मेरे को घोड़ा अच्छा लगा, और भाई साहब का प्यार और व्यवहार, इतने शरीफ आदमी है ये। तो भाई साहब के हलो बोलने से पता लग जाता है कि आदमी कैसा है, शरीफ आदमी है, तो मेरा इनसे बहुत दिल से लगाव है इनका। बिल्कुल। और देखो, एक ऐसे बोलते ना, एक घोड़ा आदमी का खुद का नहीं, पूरे एरिया का रहता है, क्योंकि एक घोड़ा अगर किसी एरिया में है तो उस एरिया का भी नाम होता है। ये हमारे एरिया का घोड़ा जी, है ना? तो वो आपके एरिया का, मान के चलो एक तरीके से बोले तो हीरो है ये। हाँ जी, है ना, इसका ही घोड़ा है जी। नहीं नहीं नहीं, ये तो भाई साहब देखो आपका प्यार है कि आप इतना बोल रहे हो, क्योंकि आज जिनके पास में फेमस घोड़े खड़े हुए हैं उनके अंदर तो इतनी अकड़ है कि जिसकी कोई बात ही नहीं है ना। नहीं, अकड़ा हमारे पास है ना, और ये आप बोल रहे हो कि भाई सबों का घोड़ा है, क्योंकि देखो घोड़े की कोई वैलिडिटी नहीं है, आप भी ये चीज जानते हो, घोड़ा आज है और कल नहीं है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जितने टाइम आपके पास में घोड़ा है ना, उतने टाइम सारे लोगों से प्यार से बातचीत करनी चाहिए, कि घोड़ा जाने के बाद में भी लोग आपको वो ही इज्जत और तवज्जो दे जो घोड़ा आपके पास में था जब। सही बात है। तो भाई साहब अभी इसके जो पहला रिजल्ट है वो कितनी उम्र का हो गया होगा, कुछ आइडिया है उसका?
इसका जो पहले रिजल्ट आए मेरे जो मेरी नॉलेज में है जो अब्दुल भाई के पास है ओके महाराष्ट्र में अच्छा और एक तो घोड़ी 16 महीने की है बच्ची बिशेरी उसकी 59 हाइट हो गई है 59 ओके एक है कि 14 महीने की ओके उसकी 57 हाइट होगी 57 तो आपके पास में कोई रिजल्ट की फोटो है इसके हाँ रिजल्ट की फोटो तो है दिखाओ जरा तो भाई साहब इसका सुबह से शाम तक क्या शेड्यूल रहता है सुबह राइडिंग कराते हैं पहले राइडिंग ओके ते बाद में इसको जमी डालते हैं अच्छा जमी डालते हैं हाँ आके एक घंटा रेस्ट दे के उसको बाद जमी डालते हैं ओके दोपहर इसको मान लो चने डालते हैं चने हाँ तो चने उबाल के या वैसे ही नहीं वैसे कच्चे चने डालता हूँ मैं तो अच्छा कच्चे चने डालते हो कच्चे चने ओके तो इसको जैसे राइडिंग वगैरह करते हो अभी इसकी हाँ डेली सुबह जी एक घंटा सुबह राइडिंग करते हैं इसी 10-12 किलोमीटर की राइडिंग डेली होती है अच्छा आप जाते हैं हाँ मेरा दोस्त भी जाता है मैं भी जाता हूँ कई बार आप करते हैं राइडिंग अभी हाँ अभी भी करते हैं हम भी करते हैं राइडिंग मिली भाई साहब फोटो हाँ जी मिल गई दिखाओ जरा फोन ऐसे करो आपका हाँ बस ओके और दूसरी फोटो ओके तो ये जो महाराष्ट्र में जो बच्चियां खड़ी हुई है वो है ना हाँ जी मत्थे सोने की घोड़ी है पट्टा देखो कितना अच्छा है यानी कि पट्टा तो सबके आ ही रहा है पट्टा तो आ ही रहा है अब सबके अच्छा पट्टा तो देता ही देता है किसी के 3 पैर चिट्टे किसी के 2 पैर चिट्टे ओके तो भाई साहब आपके पास में आने के बाद में क्या कितनी क्या घोड़िया कवरिंग करा दिया आपने मेरे पास 15 घोड़ी हो गया 15 घोड़ी 15 घोड़ी ओके तो जो 15 घोड़ी आपसे लोग कवर करा के लेके गए तो क्या फीस रखी है घोड़े की आपने फीस 21,000 आई 21,000 हाँ जी कोई ज्यादा क्यों नहीं रखी ज्यादा नॉर्मल लोग भी रेक हुंदा जी रेक नहीं भी अच्छे घोड़े से मिलाई है लेकिन फीस से सब बच जाते हैं तो आपके सर पंजाब में कौन सोचता है नॉर्मल लोगों के बारे में हम तो सोचते हैं या दूसरे की तो हम जानते नहीं है ऐसे ना प्रदीप भाई जो इसका बाप है वो काला कांटा है हाँ आपको भी पता काले कांटे की फीस कितनी है बिल्कुल वो तो हमने इसलिए इसकी फीस रखी बच्चा तो उसी का है रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं इसके बिल्कुल कि जो नॉर्मल आदमी है जो चाहता है कि मैं काले कांटे से नहीं मेट करवा सकता तो बंदा इससे मेट करवा ले क्योंकि देखो हर किसी के बस की नहीं है आज के टाइम में 75,000 रुपये फीस देना और जो लोग 75,000 फीस लेते हैं या जितनी भी लेते हैं तो उनको क्या है कि बैंक के कुछ लोग भी अपने घर के सामने बैठाने चाहिए ऐसा मेरे को लगता है जिससे बेचारा फाइनेंस भी उनको करा देना चाहिए क्योंकि जब आदमी हीरो होंडा की मोटरसाइकिल लेने जाता है तो वो भी फाइनेंस पर लेता है तो कवरिंग की फीस इतनी ज़्यादा हो गई कि आदमी की जेब पे क्या है बहुत ज़्यादा लोड आ जाता है पर एक चीज़ ये है कि घोड़े वाले जो मेरे को लगा कि कवरिंग की फीस चलो कम भी ले लें पर वो आदमी अगर कम फीस ले लेंगे ना तो भी वो बच्चा उतने में ही बेचेगा तो फिर एक चीज़ ये भी है कि घोड़े वाला कवरिंग की फीस कम क्यों ले अभी मान के चलो आप 21,000 की जगह किसी से 11,000 ले लोगे तो क्या लगता है आपको घोड़ा वो कम रेट में बेचेगा नहीं घोड़ा तो उसी रेट में बेचेगा ना तो मेरे को लगता है घोड़े की कवरिंग की फीस पूरी लेनी चाहिए आदमी को कोई उसमें डिस्काउंट नहीं होना चाहिए उसको बाकी आपने अभी घोड़े की फीस 21,000 रुपये रख रखी है ओके तो अभी जैसे घोड़िया महीने में कितनी क्या मेट हो जाती है मान लो हम 15 घोड़ी मेट हो गया ये समय मान लो 3 का महीने हो गया मेरे घर आए अच्छा आपके घर पे आए 3 महीने हो गए 3 महीने में 15-16 घोड़ी 15-16 घोड़ी हाँ। अभी भी कोई घोड़ी खड़ी हुई है घर पे हाँ घोड़ी पति पे खड़ी है घर में अच्छा अब मेटिंग के लिए आई होगी हाँ मेटिंग के लिए आई है एक अभी गई है उन्हें तो कहाँ की घोड़ी ज्यादा आ रही है यानी कि मोगा डिस्ट्रिक्ट की क्या सभी सारी गाँव में आ रही है जी सारी जगह आ रही है बठिंडा में सब सारी जगह में आ रहा है ओके बाकी एक क्या जो कवरिंग आती है ना उसमें आदमी के स्वभाव का बहुत बड़ा रोल रहता है अगर आपका स्वभाव अच्छा है ना तो लोग आएंगे और स्वभाव अच्छा नहीं है ना तो एक देखो हर आदमी की मार्केट में अपनी अपनी इज्जत भी है सही बात है तो सबसे पहले आदमी की इज्जत है तो मैं तो यही कहूँगा कि जितने लोग कवरिंग कराने के लिए आते हैं ना उनको पूरा सम्मान मिलना चाहिए क्योंकि वो आपसे लेके कुछ नहीं जा रहे हैं आपको उल्टा दे के ही जा रहे हैं तो अगर उसमें से अगर 2-3 हज़ार रुपये उनके ऊपर खर्च हो जाए तो मेरे को लगता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं ठीक है भाई साहब बिल्कुल थैंक यू और हम यही उम्मीद करेंगे कि घोड़ा आपके पास मैं आने के बाद में इसके एक से एक बेस्ट रिजल्ट आए और आपका नाम और रोशन करें थैंक यू जी